यह कहानी है आत्मरक्षा में दुनिया के सबसे कमजोर प्राणी की। मेरे 12 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, पर पता नहीं सुबह से ही दुनिया में मेरी सबसे सुरक्षित जगह यानी मेरी माँ का गर्भ मुझे धीरे धीरे एक घुटन भरी अंधेरी और डरावनी से गुफा में बदलता सा लग रहा है। हो सकता है ये मेरा झूठा शक हो। यह मेरा 14वां सप्ताह है। आज मुझे पता चला कि मैं एक लड़की हूँ। मम्मी पापा आज डॉक्टर अंकल के क्लिनिक पर गए थे। वहाँ उन्होंने मुझे देखा। वो क्या मशीन थी? हाँ, अल्ट्रासाउंड। सोलवा सप्ताह शुरू हो चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। मैं भी अपने मम्मी पापा का नाम वैसे ही रोशन करूँगी जैसे कल्पना चावला और लता मंगेशकर ने किया। आज 18वां सप्ताह पूरा हो गया। आज फिर डॉक्टर अंकल ने मुझे उस मशीन से देखा। वो मशीन मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं अब लगभग 19 सप्ताह की हो गई हूँ। कल मम्मी पापा किसी अनहोनी की बात कर रहे थे। मैं पूरी बात तो नहीं समझी, पर कुछ शब्द डरा रहे थे, जैसे सही समय, टेक्निक, खतरा। क्या मामा खतरे में है? किसवा सप्ताह चल रहा है। आज सुबह मामा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, पर क्यों? अभी तो मुझे बाहर की दुनिया देखने में कुछ सप्ताह बाकी हैं। अरे, इन्होंने मुझे नष्ट करने का तय कर लिया। आज ये मुझे मार डालेंगे, वो भी मेरे प्यारे मम्मी पापा की सहमति से। पर मैं देखना चाहती हूँ मामा को, पापा को, डॉक्टर अंकल को। मैं तो कल्पना चावला बनना चाहती हूँ। भगवान की इच्छा और सर्जन की कैंची में से मेरे मम्मी पापा ने आखिर निर्दयी चीज को ही चुना। मामा को बेहोशी की दवा दे दी है। धीरे धीरे मैं भी अपने होश खो रही हूँ। बस एक दो मिनट में मैं मांस का टुकड़ा बनकर रह जाऊंगी। लेकिन अलविदा कहने से पहले इतना कहना चाहती हूँ कि इंसान सब कुछ करने में सक्षम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान को भी वो मंजूर हो। भगवान कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आपको सद्बुद्धि दे और एक दिन आपको ये मौन सस्किया सुनाई दे। क्या आप इस रुदन को सुन रहे हैं? क्या इस रुदन को सुन रहे हैं? आइए आज हम प्रतिज्ञा करें कि हम रक्षा करेंगे दुनिया के सबसे कमजोर और आत्मरक्षा में निर्बल प्राणी की। कन्या भ्रूण हत्या एक पाप है।